कंपनी उसके प्रायोजक हैं ड्रीम क्रिएशन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स हियर द ड्रीम प्रोजेक्ट्स कम ट्रू। कांग्रेस के भूमाफिया बताए जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। सिंधिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पलटवार किया है, देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही वे कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस सिंधिया को भूमाफिया साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सिंधिया केवल जमीन के सिलसिले में कमलनाथ से मिलते थे। इसको लेकर सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जवाब उनको देना चाहिए जो नए नए राजा बने हैं। देखिए, मुझे कांग्रेस की चिंता नहीं, मुझे जनता की चिंता है। मुझे सदैव जनता की चिंता रही है और जिंदगी के आखिरी सांस तक जनता की चिंता रही है। जनता के लिए विकास लाना, प्रगति लाना, उनका भविष्य उज्जवल बनाना, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है राजनीति में आने के लिए और वही मेरा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ पिछले 5 महीनों में कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि हर विधानसभा में हम एक विकास और प्रगति के द्वार हम लोग खोल पाए और शिवराज जी और हमने दोनों मिलके वही कोशिश की है और वही आज जनता के समक्ष है। 15 साल उनका कुशासन, 15 महीने कांग्रेस का कुशासन और 5 महीने शिवराज सिंह जी का शासन, जिसके आधार पर विकास और प्रगति हम ले गए। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। अब देखना यह होगा कि सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।